नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाशी टीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर यदि चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज ए विस स्मॉल बॉय हुज नेम वॉज पीटर। एक पीटर नाम का एक छोटा बालक जो बुद्धिमान था। वॉज वन डे इज क्राइन कैरिड इज बास्केट ऑफ एग्स एंड सेट ऑफ थ्रो द फॉरेस्ट वॉज मिसिज केटी कोटरेज। कोटरेज मीन्स झोपड़ी, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। एक दिन वह अपने अंडों की टोकरी के साथ मिसिस श्रीमती केटी के घर घर जंगल की ओर रवाना हो गया। एज ही मूव फॉरवर्ड द स्टेप ऑन काउंटिंग द नंबर्स ऑफ स्टेप दिस ही इंसिटेड में शुरू किया। वह अपने कदम गिनना शुरू कर दिया। वैन पीटर रिच टू मिसिज केटी कोटरेज ही नॉक एट द डोर एंड हैंड्स ओवर द एग्स ही सी यूज टू रिसीव एवरी डे। और वह श्रीमती केटी के घर या केटी की झोपड़ी पर पहुंचकर और उनके गेट को नोक यानी खटखटाया, और ही डोर और खटखटाया हैंड्स ओवर द एग्स और उनके हाथ में अंडे दे दिए जो वह हर रोज लेती थी। इट इज परफेक्टली 6,250 स्टेप फ्रॉम माई डोर टू यूवर्स की एग्जैक्टली यानी बराबर बराबर मेरे मेरे घर से रो आपके घर तक 6,250 कदम हैं। चला ही सेड टू हर, और उसने कहा, आई टुक टुक मी एग्जैक्टली 19 मिनट्स टू कम हर, और मुझे यहाँ आने में कितनी मिनट लगी, 90 मिनट लगी। देन ही मूड ऑन ऑन दिस एग टू मिस्टर जॉर्ज हाउस विच वॉज टूवर्ड द वेस्ट ऑफ मिसिज केटी कोटरेज। श्रीमान जॉर्ज के घर की ओर रवाना हो गया जो श्रीमती केटी के घर से पश्चिम की तरफ था। पीटर कंटिन्यू दिस स्टेप अगेन, वह फिर से अपने कदम गिने। बट वॉट ए ग्रेट एस्ट्रोनिशमेंट। एस्ट्रोनिशमेंट यानी अद्भुत या आश्चर्यजनक, कुछ भी आश्चर्यजनक। अगेन इज वॉज एक्ट परफेक्टली 6,250 स्टेप फ्रॉम मिसिज केटी कोटरेज टू मिस्टर जॉर्ज हाउस, और उसने फिर से वहीं कितने कदम चले, 6,250 कदम चले। किससे? श्रीमती केटी के घर से और जॉर्ज के घर तक। पीटर शो द वॉज एंड अगेन फाउंड दैट ही हैड टेकन हिम अगेन 19 मिनट्स। नाइनटीन मिनट्स बिफोर, और वह फिर अपनी घड़ी घड़ी में देखा तो वह पाया कि 90 मिनट लगी, और वहाँ आने में कितनी मिनट लगी, 90 मिनट लगी। वॉट ए वंडरफुल सरप्राइज, क्या अद्भुत सरप्राइज था। नाउ ही बिगन टू मूव बैक फॉर दिस होम, और वह फिर अपने घर के लिए चला गया। वह फिर अपने घर की तरफ चला गया। वन अगेन ही कंटिन्यू दिस स्टेप, फिर वह अपने दोबारा से कदम गिने। इट वॉज अगेन 6,250 स्टेप फ्रॉम एस जॉर्ज, और वह अपने घर से वह जॉर्ज के घर से और अपने घर तक कितने कदम चले, उतने 6,250 कदम चले।
हाउस टू पीटर इज ओन स्मॉल कॉटेज इन दिस विलेज. विलेज मीन्स गांव. और वह एक छोटे से गांव में उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी. दे बिफोर द डिस्टेंस बिटवीन एवरी पैलेस इन सेम. इसलिए उनकी दूरी समान थी. थॉट पीटर. पीटर ने सोचा इट इज वेरी स्ट्रेंज मीन्स अजनबी है. एक अजीब है. When I go out in the afternoon, I will tell other boys. जब मैं दोपहर में बाहर जाऊंगा तो मैं दूसरे लड़कों को बताऊंगा. That afternoon, Peter told this little story to other boys. और वह अब दोपहर में वह छोटी सी स्टोरी अपने दोस्त अब दूसरे लड़कों को बताए. बट ही मेड इट लिटिल पजल. पजल मीन्स पहेली. लेकिन वह उस छोटी सी कहानी को किस में बदल दिया, एक पहेली में. दिस इज हाउ टू प्रजेंटेड दिस स्टोरी टू दिस फ्रेंड. और वह अपने फ्रेंड के सामने वह स्टोरी पेश की. Listen, he said. सुनो और वह कहा. This morning I went to Mrs. Katie Cottage. जब आज मैं सुबह श्रीमती केटी के झोपड़ी में गया. I walked 6,250 step and I took 19 minutes. और मैं 6,250 कदम चला और मुझे 90 मिनट लगी. When walked from to Mr. George house again two number of step was same and to 19 minutes to reach here. और मुझे same मैं जब वहां से जॉर्ज के घर गया तो मुझे 6,250 कदम ही चले और मैं 90 मिनट मुझे वहां भी 90 मिनट ही लगी. Then I walked back home. फिर मैं घर की ओर चला. Again he found that walked same number of step, but now that took me 1 hour and 30 minutes. और फिर मैं वापस गिना तो मुझे 6,285 कदम चला लेकिन मुझे 1 घंटा 30 मिनट लगी. कैन यू टेल वाई. क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों, इनसे पूछ रहा है. डू नॉट बी सैली पीटर. सैली का मतलब होता है ना समझ. तुम ना समझ की बातें मत करो पीटर. आई वॉक्ड विथ द सेम स्पीड. मैं उसी गति से चल रहा था. वेरी पिजलिंग. क्या बहुत बेसबी या बेसबी होता है. सैड बन्नी ने कहा. आई थिंक यू मस्ट हैव स्टॉप्ड टू टॉक द समवन. पक्का ही तुम किसी से बात करने के लिए रुक गए होंगे. नो आई डोंट नॉट सैड. आई डू नॉट. नहीं सैड पीटर. और पीटर ने कहा. आई डिड नॉट मीट एनी वन ऑन द वे. मैंने रास्ते पर किसी से भी नहीं मिला. कुड आई टॉक टू. डिड नॉट यू स्टॉप टू टाइप अप यूअर सो शूज लेस पिक अप यूअर हैंकर चिफ और समथिंग लाइक दैट. क्या तुमने अपने जूते के फीते बांधने के लिए नहीं रुके होंगे. क्या तुम
रुमाली उठाने के लिए नहीं रुका होगा या क्या तुम कुछ चीज़ करने के लिए नहीं रुका होगा? आक्स जैम, जैम ने पूछा। नो सैड पीटर, पीटर ने कहा आई डू नॉट एनी सच थिंग्स ऑन द वे, मैंने ऐसी कुछ भी नहीं किया, मैंने सड़क पर ऐसा या मैंने रास्ते में ऐसा कुछ भी नहीं किया। थिंग्स ऑन द वे, ठीक। वेल देन यू मस्ट हैव मेड ए मिस्टेक, पक्का ही तुम कुछ एक मिस्टेक या गलती की होगी, सैड सैम, सैम ने कहा। यू कुड नॉट हैव टेकन ऑन 1 hour and 30 minutes टू गो द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि, ऐसा नहीं हो सकता कि सेम समान समान जगह पर इतनी 1 hour 30 minutes लगे। देयर मस्ट ए सम टाइम रॉन्ग विथ योर ओल्ड वॉच, तुम्हारी घड़ी में कुछ मिस्टेक है। नो माई वॉच वॉच कीप करेक्ट टाइम, मेरी घड़ी सही समय देती है, सेड पीटर, पीटर ने कहा। बट आई डू नॉट नॉट थिंक्स यू वेयर सो स्टूपिड, तुम सब मूर्ख हो। इट इज़ यू हु आर स्टूपिड, तुम मूर्ख हो, सैड सैम, सैम ने कहा। यू कुड नॉट हैव टेकन ऑन 1 hour and 30 minutes टू गो द सेम डिस्टेंस, यानी कि वो सेम जगह, यानी सेम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि सेम जगह पर 1 hour 30 minutes लगे। यू मस्ट हैव टेकन 90 minutes बिकॉज यू वॉक द सेम नंबर ऑफ स्टेप बिफोर, नहीं 90 minutes ही लगे होंगे क्योंकि सेम स्टेप थे या सेम गति थी। यू फूल, हा हा हा, फूल मीन्स मूर्ख, यू तुम मूर्ख हो, हा हा, वैसे यू ऑल द स्टूपिड, तुम सभी मूर्ख हो, सैड पीटर ने कहा। 19 minutes आर इक्वली टू 1 hour and 30 minutes, यानी 90 minutes 1 hour 30 minutes बराबर होते हैं, होते हैं, सॉरी 1 hour में कितनी मिनट होती हैं, 60 minutes, तो आधे घंटे में 30 minutes, तो 60 30 90 हो गए 90 minutes। डू नॉट यू नो दैट मच, तुम नहीं जानते, ही वह हंसा। वॉट इज, क्या मजाक है। नोन ऑफ यू कुड वर्क आउट माई पजल, तुम मेरी पहेली नहीं सुलझा पाए, नहीं समझा पाए, क्राइड पीटर हैपलिंग एंड वेंट अवे, और वह जोर से रोने में हंसा, वह रोने में हंसा, वेंट अवे, और वह फिर चल गया। वह यहाँ मूर्ख बना रहा था सबको, देखो, और फिर हंसे। लास्ट में बताया कि 90 मिनट, लास्ट में बताया कि 90 मिनट बराबर 1 hour 30 minutes बराबर होते हैं, फिर उसने बाद में ऐसा बताया। अगर स्टोरी थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।